तेवेयन की खबरें दोस्तों, यहां से आज शनिचर 9 तारीख मई के वास्ते आज की ताजा खबरें आपके नाम पर बयान होंगे। और सबसे पहले हर एक को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और बहुत से प्यार और मोहब्बत पेश किया जा रहा है। दख ब्लॉक चूरी नाम से आज की खबरें आप लोगों के नाम पर मैं बयान करूंगा। और यहां पर लिखल है अख्तन तुरंत खियारख ना रेम फेफ मानदन आन खाउदन वेहन स्पोखिंग तत् फर्क रखतिंग। तो सिपाही दोस्तों बीफे 7 तारीख मई को 28 बरस के बेएन को गिरफ्तार करने में कामयाब हुआ। ई बदमाशी कर ले रहा एक लड़की के साथ। ई फरदाख्त तुवेद कैर्स दाख के दिन, जी हां गुजरे हुए साव, ये चोरी करके मकान में घुसा हुआ है और प्लंगा प्लंग जो है मतलब लकड़ी उखाड़ करके और मकान में घुसल। सख्त ऑफर आराम कर रही थी और ये आदमी इनको नींद में हमला किया, चाकू से इनको धमकाया है और बलात्कार करने की कोशिश किया। जनता ये कामयाब ना रहा और सख्त ऑफर अपने आप को बचाया, डर के मारे फरदाख्त वहां से फरार हो गया। 6 महीना सिपाही के हाथों से ये गायब था, छुपा हुआ था, लेकिन बीफे मई की 7 तारीख को सिपाही ने इनको अपने हिरासत में ले लिया है। ओपनबार मिनिस्टरी से बातचीत करने के बाद इस आदमी को हवालात में डाल दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे बात हैगा। और दखब्लॉक सूरीनाम भी बयान करे है, कोलोनल फेरा बोले है खस्त्रंड बुरखस्त अल्ट इंडिया कॉमन सेफन तीन ऑफ लेखन तीन नई तरुख। तो जनता यहां पर अब दातुम चाहेगा मुकर्रर करे के। और वन कहा गया है कि दैरती नई हाल बार नहीं का एलम फ्लुख्त के लिए। ई बात कोलोनल, जी हां कोलोनल दानियल फेरा कोफित ने खंतीन के मैनेजमेंट टीम में कल ई बात को सामने रख हिजबा। बोले हम लोग तारीख को घसकाए हुए हैं नार सेफंतीन ऑफ नई खंतीन में। तो ऐसे बात है, हम लोग कोशिश करके जो हमारे लोग खस्त्रंद बुरखर्स न्यू दिल्ली इंडिया में बेचारन उनको घर लाने की अब हम लोग सोच रहे हैं। इफ्लोत से तकरीबन 320 लोगों को वापस लाया जाएगा। ट्रांसिट परियोजना से फॉल पर छोटा किया गया फिर अंतिम तखीर दिस इज एम फॉर द रीजन फॉर द फॉर स्वाइफिंग फॉल्कंस फेरा। तो ये बात भी हम आप लोगों को बताए हुए हैं। अक्सी बोथ हाउदर्स अफ खबलास, तो बोथ हाउदर्स काफी नाराज हैं और मानदाह को इन लोगों ने अपन आवाज उठाए हैं, खास करके फेयर प्लेइंग पर। तकरीबन 1.5 साल से, जी हां लोगन के हां न मिलल हैगा अख्तर स्तालख खेलदन। बोले हम लोग के पैसा ऊपर माग भयन करल है और एक हिस्सा त्रेद अशन अख्तिन के अब हम लोगन के चाही भी मिले के। और बोले हम लोगन के अगर पैसा ना मिलेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। मार्लोन विदी का ई बोल रहा है एनपीएस का है, बोली खुश है कि लोगों को कुछ हिस्सा में उन लोगों का पैसा मिला हुआ है। और कहीं से भी कि दूसरे सेक्टर में सरकार को भी लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि लोग बहुत मुश्किल हालत में है। और ऐसे ऐसे बात देंसमा नोमान यांग बसलाउत विधि का, तो जनता ऐसे बात हैगा। और ये भी हमने आप लोगों के नाम पे रख लिया और इसी सबक से ये लोग अपन अक्सी जो है उसको अफ ब्लास कर दिन है, मगर मार और स्टॉप कर दिन है। तो ये बात है हमारे देश के जनता। और ऐसे ऐसे बात आप लोगों को भी बताया गया। 28 ओवर ट्रेडर्स ओवर ट्रेडर्स लॉकडाउन ओवर खबर अखनार पोस्ट कोटा कोटा की सिपाही को बड़ा दुरक रहा फ्राइडा अख्तन तुरंत। हाँ जी गौर से सुनिए भाई, फ्राइडा अख्तन तुरंत नहीं, फ्राइडा अख मई को तकरीबन अख्तन तुरंत लॉकडाउन ओवर ट्रेडर्स को सिपाही गिरफ्तार करके और थाने ले गया है। लोग 8 बजे के बाद ओपन बार रख पे नजर आए हैं और इन लोगों के, जी हां जनता, न कोई फरलॉफ पास या कोई भी बवाइस नहीं था। सिपाही लोगों के बिरो ले गए और 6 बजे सवेरे तक
बहुत मोह से बैठाई वहां अख्तंतुंतख ओवर ट्रेडर्स में पांच औरतें और 23 मर्द को सिपाही ले गए। इलोगन बोली से कि हम लोग देखो तेज पर गौर न कर ली, पहले परिवार के घरे गईली, सहतियन के घरे गईली, बस देर हो गए। ओवर ट्रेडर्स बलूफ करिस सिपाही को कि अब हम लोग इस सब गलती नहीं करेंगे। क्वाटा पर रोज मनाई लोगन रेखल के मुताबिक ना चले हैं लॉकडाउन के कोविड में इखन तीन के सबब से ये सब लॉकडाउन जो है, लेकिन लोग जैसे ना मांगे हैं समझे। ये ओवर ट्रेडर्स को सपन 6 बजे सवेरे फिर से छोड़िन है। तो गलती अगर आप लोग करियो तो इकरे लिए आप लोगन को तैयार खड़े रहना है। ये बात अपने जहन में लेके घूमियो, गलती करियो द मुती ऑब्जर्व फॉर द कॉन्सिक्वेंसिस। राइस एक्सपोर्टर भागवत प्रसाद रामादीन दखबलात में बोले हैं कि दुखी अगर बोले कि पैसा हम लोगन के दरमिया बांटा गया है तो सबूत लेके आवे। तो ये बड़ा लड़कैया चीज है भैया, जाने तो अरे भाई आप लोगन बड़े बड़े लोग हो, ये सब चीज ये कौन चाल है ना। तो ऐसे बात है भाई। और राइस एक्सपोर्टर भागवत प्रसाद रामादीन बतिया बोली इस बार कि हम लोग अगर ये सब चीज कल्ली बाटी जैसे दुखी बतावे तो बोल दे ओके आवे स्वार्थ अपूर्त भवे। इसलिए करके कृष्णा मथुरा बोले हैं कि वक्त हो गया है कि बस फिर से चले। दखबलात सूरीनाम से कृष्णा मथुरा ये बात बोली से बोले हेतिस एंग एंड मैंस फुलिस सिख इन द स्टेक खलाता सख्त मथुरा ओपनबार फरफूर गुजरे हुए हफ्ता से लम लख भैबा और जनता सब बोले है दुर्द मात्र इखले इन फरबान में कोरोना। हाँ बोले ना फैले कोरोना तो सरकार ऐसे करी सहीगा मार जनता। मथुरा बोले है कि अब वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है कि बस जो है वो फिर से सड़कों पर चलना शुरू करे। तो ये बात इन्होंने रख दिया है। देश के जनता प्रेस कॉन्फ्रेंसी से यहां पे ही खफसेर्द फरसुपलिंग मात्र एकदम कोविड ने एकदम तीन नोट साकल। तो कल फोर एल्थ श्रीफन द हेयर फॉर्मिंग्स पर तय से यहां पे ही एक एल्थ खबर है द प्रेस कॉन्फ्रेंसी बैठाई जवा और रोदद रात वास दत अन खफसेर्द फरसुपलिंग फंड कोविड ने एकदम तीन मात्र एकदम नोट साकल केस फोर से तर चांद संतोखी बात बतावे है ना। बताई से नेशनल कोविड मैनेजमेंट टीम को बहुत कॉम्प्लीमेंट वो दे रहा है, सबासी दे रहा है। वन अंतल खफल नल पे चल गए है, द आउटब्रेक इज अंडर कंट्रोल। दर हकीकत में जनता कोविड नेशन टीम के मैनेजमेंट टीम वालों को हम लोग केवीएन से भी बहुत सबासी पेश करीला, क्योंकि अगर फरखलाइक करियो आप लोगन दूसर मुल्क दूसर देश से तो सूरीनाम देश बहुत महफूज है ना। हम लोगन के देश में दुख की बात कि एक आदमी का ना मृत्यु हुआ है, मार देखो हम लोग के देश में ई लोगन ई बीमारी को काबू में पकड़ने का ना हां ई कामयाब हुए हैं। अब यहां पर लिखल है उन्होंने खराब कोविड नहीं हंती इस नीत फॉर बाय बेलन पेस हांतेरन मात्र इखल फॉर लेंगन। तो जनता देखो ना ये सब चीज आप लोगन मजाक में न लग जाइयो, हम बार बार आप लोगन को समझाए ला मेरे भाइयों, बहुत बहुत हम आप लोगन को समझाते हैं कि ये सब चीज मुई लगबा में तैगी उनु वन ई कोविड नहीं हंती अभी दुनिया से गया नहीं है और हम लोगन के फ्रेंड्स में काफी मुश्किलात होते हैं। सरकार बिन लांत में टोटल लॉकडाउन करी से न सोमार, क्योंकि फ्रांस खुयाना में भी सीमाओं पर हम लोगन के सख्त पहरा है, वन लोग अंदर घुसते आ रहे हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगन के नाम पर आज टीवीएन के जरिए आज की ताजा खबरें बयान किए हैं। दोस्तों माह रमजान का महीना है, जो रोजा रखते हैं रोजादार को भी हम लोगों ने खुशनसीबी पेश करते हैं। सोनी राम बली को भी बहुत शुक्रिया, यही ही शोर है इस प्रोग्राम में। और जनता आप लोगों को बहुत से प्यार मोहब्बत पेश करता हूं, अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करते हुए। जिंदगी बाकी रहा तो फिर मुलाकात होगा, इस वक्त के लिए शुक्रिया।